Hello everyone, welcome to the video lecture series of Analog and Digital Communication. In this video lecture series, last lecture में हमने multi-tone amplitude modulator signal के expression को derive किया था और उसका spectrum भी हमने analysis करी थी. Now, the topic is power of multi-tone amplitude modulated signal. Okay, so किसी भी signal की power calculate करने के लिए आपको आपके पास उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए. ठीक है, तो एक्सप्रेशन ऑफ मल्टीटोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन बाय क्या है आपका, वो हमने कल डिराइव किया हुआ था. और अगर आपको याद हो या आप समझ के भी उसको बोल सकते हैं, ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस ए सी म्यू वन अपॉन टू कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम वन टी प्लस ए सी म्यू वन अपॉन टू कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ सी माइनस एफ एम वन टी प्लस ए सी म्यू टू अपॉन टू कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम टू टी एंड प्लस एफ सी ए सी म्यू टू अपॉन टू कॉस टू पाई एफ सी माइनस एफ एम टू टी. इस तरीके से आप समझ के भी याद रख सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन है हमारे पास मल्टी टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, जो कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, याद होना चाहिए, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि मल्टी टोन है. अगर दो फ्रिक्वेंसी हैं तो कैरियर तो रहेगा ही रहेगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में. ठीक है, तो दो अगर फ्रीक्वेंसी हैं तो दोनों की वजह से एक अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड रहेगा ही रहेगा. ठीक है, अब हमारे पास एक्सप्रेशन है. ठीक है, अब हमारे पास जब एक्सप्रेशन है तो पहला टर्म का पावर कैलकुलेट करना है हमें, पहले टर्म का, तो ये कैरियर है. सेकेंड टर्म का पावर कैलकुलेट करना, तो मैंने पहले ही बता रखा है हमने कि अगर साइनोसोइडल सिग्नल है तो उसका पावर कैलकुलेट करने के लिए आपको जस्ट क्या करना है, ए सी स्क्वायर अपॉन टू करना है, मीन्स एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन टू. अपर साइड बैंड है जो आपका पहला यू एस बी वन, इस टर्म का पावर कैलकुलेट करना है तो भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन टू. यहाँ पे भी तो हम देखेंगे कि ये आपका कैरियर है तो कैरियर पावर कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, ये आपका यू एस बी वन है तो यू एस बी वन का पावर कैलकुलेट करेंगे, ये आपका एल एस बी वन है तो एल एस बी वन का पावर कैलकुलेट होगा, और ये आपका यू एस बी टू है तो यू एस बी टू का एंड देन सिमिलरली एल एस बी टू का पावर कैलकुलेट होगा. और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो टोटल पावर हमारा होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में टोटल पावर हमारा होता है वो कैरियर पावर एंड टोटल साइड बैंड पावर का सम होता है. उसको एक्सपेंड करेंगे तो टोटल पावर जो आपका है वो कैरियर पावर और टोटल अपर साइड बैंड एंड टोटल लोअर साइड बैंड का सम होता है. एंड अगेन हम इसको एक्सपेंड करेंगे मल्टीटोन के केस में, तो टोटल पावर इज नथिंग बट द समेशन ऑफ कैरियर पावर अपर साइड बैंड वन प्लस अपर साइड बैंड टू प्लस लोअर साइड बैंड वन एंड लोअर साइड बैंड टू. तो जितने भी आपको पांच टर्म दिख रहे हैं, पांचों टर्म के अगर आपके पास पावर है तो आप उनको सम करेंगे एंड देन यू कैन डिराइव द फार्मूला फॉर मल्टीटोन एएम सिग्नल पावर. सो वी नो दैट कैरियर पावर इज गिवन बाय ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर. अब तो आपको पूरी तरीके से याद हो गया होगा ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर. अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड पावर इज गिवन बाय यू एस बी वन एंड एल एस बी वन, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड सेम है ए सी म्यू वन अपॉन टू, तो उनका पावर भी आपका ए सी स्क्वायर म्यू वन स्क्वायर अपॉन एट आर आएगा. सिमिलरली पी यू एस बी टू एंड पी एल एस बी टू, अपर साइड बैंड टू एंड लोअर साइड बैंड टू का जो पावर है वो ए सी स्क्वायर म्यू टू स्क्वायर अपॉन एट आर आएगा. अब हमारे पास पाँचों टर्म के पावर कैलकुलेटेड हैं यहाँ पर, जस्ट वी विल पुट द वैल्यूज इन द लास्ट एक्सप्रेशन, जो कि पी टी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर ए सी म्यू वन स्क्वायर अपॉन एट आर एंड सो वन. ठीक है, फोर टाइम्स आपका इस तरीके से दिखेगा आपका, दो बार म्यू वन के लिए और दो बार म्यू टू के लिए. यहाँ से हमने म्यू वन और म्यू टू को एक तरफ कर लिया है तो हमारे पास एट आर जो है डिनोमिनेटर में फोर आर हो गया. एंड अगेन सेम प्रोसेस, हम यहाँ पे ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर कॉमन ले लिया हमने, देखेंगे यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से ए सी स्क्वायर म्यू वन स्क्वायर अपॉन एट आर. अगर किसी को यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही हो कि फोर आर कैसे हो गया, तो ए सी स्क्वायर म्यू वन स्क्वायर अपॉन एट आर, ए सी स्क्वायर म्यू वन स्क्वायर अपॉन एट आर, ये दो बार ऐड है तो ए सी स्क्वायर म्यू वन स्क्वायर अपॉन फोर आर. और सिमिलरली ये दोनों टर्म आपके सेम हैं तो दोनों दो बार ऐड हुए हैं तो ए सी स्क्वायर म्यू टू स्क्वायर अपॉन फोर आर. अब हमने इन तीनों एक्सप्रेशन से ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर कॉमन ले लिया है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो वन प्लस म्यू वन स्क्वायर अपॉन म्यू वन स्क्वायर अपॉन टू प्लस म्यू टू स्क्वायर अपॉन टू, हमने इसको ऐड कर दिया. ठीक है, यहाँ पे ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर क्या है हमारा पी सी. ठीक है, ये तो आपको याद ही है हमेशा से,
AC square upon 2 are nothing but the PC, और जो हमारा फाइनल फार्मूला है फॉर पावर ऑफ मल्टी टोन AM सिग्नल, दिस इज नथिंग बट द टोटल पावर इज इक्वल टू PC1 plus mu T square upon 2. तो सिमिलरिटी देखिए, सिंगल टोन एंड मल्टी टोन AM के पावर में वहां पे PT इज इक्वल टू PC1 plus mu square upon 2 होता है, और यहां पे PT इज इक्वल टू PC1 plus mu T square upon 2, वेयर mu T इज नथिंग बट द अंडर रूट mu1 square plus mu2 square, और mu2 को क्या कहते हैं हम, mu T को टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स. तो यहाँ पे एक नया टर्म आ गया आपका म्यूटी, जो कि टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है. नाउ द मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी ऑफ मल्टी टोन AM, तो अगर आपको सिंगल टोन AM का फार्मूला याद है तो मल्टी टोन AM का आप डेफिनेटली अपने आप लिख सकते हैं. वहां पे एक फार्मूला क्या होता है, रिवाइज करेंगे एक बार, म्यू स्क्वायर अपॉन टू प्लस म्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यूटी स्क्वायर अपॉन टू प्लस म्यूटी स्क्वायर. करंट रिलेशन अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो करंट रिलेशन क्या होता है सिंगल टोन के लिए, आई टी इज इक्वल टू आई सी अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई टी इज इक्वल टू आई सी अंडर रूट वन प्लस म्यू टी स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है. एंड सिमिलरली वोल्टेज रिलेशन भी आप वैसे ही करेंगे, वी टी इज इक्वल टू वी सी अंडर रूट वन प्लस म्यू टी स्क्वायर अपॉन टू. तो अगर आपको सिंगल टोन के फार्मूले याद हैं तो मल्टी टोन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, बट आपको म्यूटी एक नया टर्म है जो कि टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, वहाँ पे आपको म्यूटी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस म्यू टी म्यू थ्री स्क्वायर सो ऑन, अगर जितने भी आपके फ्रीक्वेंसी टर्म है उतने आपके म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री एंड सो ऑन, ठीक है. अब इसी पे एक क्वेश्चन है आपका, जो आपको दिख रहा है एक न्यूमेरिकल है, सॉल्व करेंगे इसको. क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे, एन AM सिग्नल इज गिवन बाई, AM सिग्नल गिवन है आपको 20 प्लस 12 cos 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 40 प्लस 16 cos 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 40 मल्टीप्लाइड बाई cos 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 60, ठीक है. तो अब देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी है, इवन आपको उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दे रखा है, ठीक है. तो आप एक बार इसको देखेंगे एंड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे क्या है कि जस्ट जो आपका वन प्लस म्यू वन एंड म्यू टू होता है वहाँ पे वन नहीं है, ट्वेंटी है. तो सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे हम, सॉल्यूशन में हमने क्या किया है, यहाँ पे ट्वेंटी को कॉमन ले लिया है, ठीक है. ट्वेंटी को कॉमन ले लिया है क्यों, क्योंकि सामने हमें दिख रहा है, एक्चुअली में सामने हमें दिख रहा है कि इसको हम वन प्लस के एम टी के फॉर्म में रख सकते हैं, तो वन है नहीं इसलिए हमने ट्वेंटी को कॉमन लेकर के वन बना दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए. तो 20 कॉमन लेने के बाद जो आपका रेस्ट ऑफ द वैल्यूज बचेंगे वो है 1 प्लस 0.6 cos 2 पाई इनटू 10 टू द पावर 40, 0.8 cos 4 पाई इनटू 10 टू द पावर 40 एंड cos 2 पाई इनटू 10 टू द पावर 60 बाहर ऑलरेडी है, ठीक है. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका सिंगल टोन का एक्सप्रेशन तो है नहीं, 1 प्लस म्यू 1 cos 2 पाई FMT और ब्रैकेट में क्लोज होने के बाद cos 2 पाई इनटू 10 टू द पावर 60 आपका कोई ये सिंगल टोन का है नहीं, तो मल्टी टोन का है ऑब्वियसली आपको दिख रहा है. तो कंपेयर करेंगे मल्टी टोन से जब, तो हमें क्या मिलेगा, एसी 20 वोल्ट, एफसी यहां से मिलेगा आपका 1 मेगाहर्ट्ज या 1000 किलो हर्ट्ज कह सकते हैं, म्यू 1 0.6, म्यू 2 0.8, इतने सारी चीजें मिल गई आपको, ठीक है. एफएम 1 यहां से आपको मिलेगा एफएम 1 जो कि 10 किलो हर्ट्स है, 10 टू द पावर 40 है तो 10 किलो हर्ट्स. एफएम 2 20 किलो हर्ट्स, एफसी आपके पास है ही. नाउ आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, सारे पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए हैं कैसे कैलकुलेट हुआ, एक बार अब ध्यान से देखेंगे इसको कि कैसे एसी आया, एफसी कैसे आया, म्यू 1 म्यू 2 कैसे हमने कैलकुलेट किया, एफएम 1 कैसे लिया, एफएम 2. जस्ट वी हैव कंपेयर दिस इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड मल्टीटोनिक एक्सप्रेशन, ठीक है. अब आपको ये कैलकुलेट करना है, आप खुद से कैलकुलेट करेंगे एंड आंसर को मैच करेंगे. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है अभी भी, तो मुझे नहीं लगता अभी प्रॉब्लम होनी चाहिए, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको. यहाँ पे आप आंसर मैच करेंगे, बैंडविड्थ 40 किलो हर्ट्ज आएगी एंड सो ऑन, जो आपके वैल्यूज हैं वो आपको दिखेंगे यहाँ पे. एंड सेकेंड क्वेश्चन भी था क्या, नहीं सिर्फ हाँ साइड बैंड फ्रिक्वेंसीज आपको दिखानी है,
तो साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज में आपको एफसी प्लस एफएम 1, एफसी प्लस एफएम 2, एफसी माइनस एफएम 1 और एफसी माइनस एफएम 2 आपको दिखेंगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करेंगे, मैं सॉल्व कर दूंगा। बट कोशिश करिए कि खुद से सॉल्व करें, और अब हो जाना चाहिए, आई थिंक 11th न्यूमेरिकल था ये, हाँ ये 11th न्यूमेरिकल है। 10 न्यूमेरिकल में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए अभी तक, ठीक है। जिन्होंने आंसर मैच कराया और सही है, बहुत ही अच्छी बात है। जिन्हें प्रॉब्लम है मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, बशर्ते आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ठीक है। नाउ दिस टू इक्वेशंस, दीज टू क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कहे जाते हैं, आप एक बार इसको देखेंगे। पहले क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, मैं अभी इसको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन का, आपको पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। एन अनमॉड्यूलेटेड एएम ट्रांसमीटर पावर इज गिवन बाय 10 किलोवाट, इसका मतलब आप इजीली समझ जाएंगे। व्हेन द कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बाय सिंगल साइनोसोडल मैसेज सिग्नल, अभी सिंगल साइनोसोडल मैसेज सिग्नल की बात हो रही है, मीन सिंगल टोन की बात हो रही है, ट्रांसमीटर पावर इज इंक्रीज्ड टू 13.5 किलोवाट, ठीक है। फाइंड एएम ट्रांसमीटर पावर इफ द कैरियर इज साइमल्टेनियसली, यहां पे जो साइमल्टेनियसली लिखा हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो साइमल्टेनियसली मॉड्यूलेटेड बाय द सेकेंड मैसेज सिग्नल विद 60% ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन भी उसी रिलेशन में है, जस्ट एम्पियर दिया हुआ है तो करंट की बात हो रही होगी यहाँ पे। व्हेन द कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बाय सिंगल साइनोसोडल मैसेज सिग्नल विद 40% ऑफ मॉड्यूलेशन, सिंगल साइनोसोडल मैसेज जो आपका ये तीन वर्ड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी है सिंगल साइनोसोडल मैसेज सिग्नल, ठीक है। एएम ट्रांसमीटर करंट इज गिवन बाय 10 एम्पियर व्हेन द कैरियर इज साइमल्टेनियसली, अगेन साइमल्टेनियसली है तो अगेन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, साइमल्टेनियसली मॉड्यूलेटेड बाय सेकेंड मैसेज सिग्नल, ट्रांसमीटर करंट इज इंक्रीज्ड टू 10.5 एम्पियर, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंक्रीज्ड टू और इंक्रीज्ड बाय में, ठीक है, तो उसको हम आगे देखेंगे। इंक्रीज्ड टू का मतलब होता है पहले 10 था अब 10.5 हो गया है, इंक्रीज्ड बाई का मतलब होता है कितने से बड़ा, अगर 10 है और बाई 10.5 होता तो इंक्रीज्ड बाई 10.5 मींस 10 में 10.5 ऐड कर देंगे। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की बात है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन ड्यू टू द सेकेंड मैसेज सिग्नल, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। अभी तक अगर किसी सबने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो एक बार ब्रेन स्ट्रॉमिंग करेंगे इस क्वेश्चन पे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप कोशिश करें, बाकी आगे अगर आपसे नहीं होता है तो मैं सॉल्व कर दूंगा, डेफिनेटली मैं करूँगा, क्योंकि सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं है वो, तो क्वेश्चन अच्छा है, ओके। अगर किसी से सॉल्व होता है तो प्लीज़ कॉमेंट में आंसर मैंशन करिएगा, मैं देखूँगा उसको डेफिनेटली, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ अंडर मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन एंड ओवर मॉड्यूलेशन हमारा टॉपिक है, इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये भी एक टाइप्स हैं मॉड्यूलेशन के, एएम मॉड्यूलेशन के ये टाइप्स हैं। तो अभी जो आपने स्टार्टिंग के क्लासेस में पढ़ी थी टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, उसमें मैंने बताया था कि सिंगल टोन मॉड्यूलेशन एंड मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, ओके। ये जो टाइप्स हैं, दीज थ्री टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन आर डिफाइंड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू, जो आपको आप जानते हैं। तो अगर आपका म्यू, इफ म्यू लेस देन वन है तो सच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज नोन एज अंडर मॉड्यूलेशन, इफ म्यू इज इक्वल टू वन सच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज नोन एज क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, एंड इफ म्यू ग्रेटर देन वन सो मॉड्यूलेशन इज नोन एज ओवर मॉड्यूलेशन। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत सारे वाइवाज में पूछे जाते हैं, बीटेक इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं आप इनको याद रखेंगे, वाइवा में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एंड डायग्राम भी ड्रॉ करवाया जाता है कि अंडर मॉड्यूलेशन क्या होता है, एंड डायग्राम ड्रॉ करिए उसका, क्रिटिकल क्या होता है, ओवर क्या होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, म्यू लेस देन वन के लिए मॉड्यूलेशन जो है आपका अंडर मॉड्यूलेशन, म्यू इज इक्वल टू वन के लिए क्रिटिकल, एंड म्यू ग्रेटर देन वन के लिए ओवर मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब ड्रॉ करेंगे डायग्राम तीनों के लिए, तो आपके पास मैसेज है एंड कैरियर भी है, ठीक है, और आप मॉड्यूलेटेड सिग्नल के बारे में देखना है, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल अंडर मॉड्यूलेटेड मॉड्यूलेशन के बारे में देखेंगे कि कैसे ड्रॉ होता है, कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। ये तो आपने बना लिया है, बट ये बनाया है तो कैसे बना है, ये अंडर मॉड्यूलेशन इसको क्यों कह रहे हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है
We know that for under modulation mu less than 1. That means हमने बताया था म्यू की वैल्यू इज नथिंग बट ए एम अपॉन ए सी, एक न्यूमेरिकल में आया हुआ था, मैंने बताया था कि एक न्यूमेरिकल में म्यू की वैल्यू मेंशन नहीं है, तो अगर आपके पास कैरियर है और आपके पास मैसेज है तो उनके एम्पलीट्यूड से भी आप म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो म्यू अगर लेस देन वन है दैट मीन्स ए एम अपॉन ए सी इज लेस देन वन एंड दैट मीन्स ए एम इज लेस देन ए सी, करेक्ट है, ए एम इज लेस देन ए सी, यहां से आपको ये रिलेशन मिल रहा है, इसका यूज करेंगे। वी नो दैट ए मैक्सिमम मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसका फार्मूला आपको पता है ए सी वन प्लस म्यू, और मिनिमम जो एम्पलीट्यूड होता है वो है ए सी वन माइनस म्यू। इफ वी पुट म्यू लेस देन वन, अगर हम म्यू लेस देन वन में जीरो से वन के बीच की वैल्यू अगर पुट करते हैं इन दोनों इक्वेशंस में, ए मैक्स और ए मिन के इक्वेशंस में म्यू जो लेस देन वन है उसको अगर पुट करते हैं तो जो ए मैक्स आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और जो ए मिन होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो ए मैक्स आपको यहां दिख रहा है वो पॉजिटिव होगा यहां पे, और ए मिन भी पॉजिटिव, मीन्स जीरो नहीं है, जीरो अगर होता तो ये यहां से जो डॉटेड डॉटेड लाइन आपको दिख रही है वो यहां से टच करते हुए जाती है, ठीक है, जीरो नहीं है, पॉजिटिव है, कुछ वैल्यू है, तो ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ये पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, तो हमने ये जो ए मैक्स और ए मिन पॉजिटिव पॉजिटिव हमने कैलकुलेट किया है वो हमें ये पता चला कि ये आपका अंडर मॉड्यूलेशन जो है वो इस तरीके से डायग्राम ड्रा होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव है, समझ में आ गया होगा। आगे अगर नहीं समझ में आ रहा तो आई थिंक क्रिटिकल से आपको समझ में आ जाएगा, अंडर मॉड्यूलेशन सिग्नल इसको कहते हैं हम। क्रिटिकल मॉड्यूलेशन देख लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट होगा, म्यू इज इक्वल टू वन के लिए हम क्रिटिकल मॉड्यूलेशन कहते हैं, जानते हैं हम, तो ए एम इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा यहाँ पे इस सिचुएशन से। ए एम इज इक्वल टू अगर ए सी आता है, ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू वन है आपका, तो यहाँ पे अगर हम इसमें पुट करते हैं म्यू इज इक्वल टू वन, तो अगर हम ए मैक्स में म्यू इज इक्वल टू वन पुट करते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, बट ए मिनिमम में, जो आपका ए मिनिमम क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मिनिमम पीक, ठीक है, तो ए मिनिमम में अगर हम म्यू की वैल्यू वन रखते हैं तो जीरो हो जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखें जीरो हो जाएगा। और अब देखिए आप कि जो मैक्सिमम है उसको तो हमने पॉजिटिव दिखाया है, इतना ये एम्पलीट्यूड है ए मैक्स, बट जो मिनिमम है वो जीरो से होके टच करके जा रहा है। आप प्रीवियस देख सकते हैं, अंडर मॉड्यूलेशन में जो आपका ए मिनिमम आ रहा था वो पॉजिटिव आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे वैल्यू शो कर रखी है, ठीक है, और क्रिटिकल में आपका ए मिनिमम जो आ रहा था वो जीरो आ रहा था, दैट्स वाई ये टच करके जा रहा है, एक्सिस को टच करके जाएगा, दैट मीन्स ए मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे जीरो है। तो सच क्रिटिकल मॉड्यूलेशन का डायग्राम आपको इस तरीके से आएगा, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और क्रिटिकल मॉड्यूलेशन आपका म्यू इज इक्वल टू वन के लिए होता है, ठीक है। एंड नाउ द ओवर मॉड्यूलेशन, अब आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे ओवर मॉड्यूलेशन में क्या होगा, कि जब म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ए एम की वैल्यू ए सी से ज़्यादा है, और जब हम दोनों इक्वेशन में म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन वन रखेंगे तो ए सी तो ए मैक्स तो पॉजिटिव रहेगा तीनों केसेस में, ए मैक्स तो पॉजिटिव रहेगा तीनों केसेस में, लेकिन ए मिन जो है यहाँ पे अगर म्यू की वैल्यू वन से ज़्यादा रखेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगी, और निगेटिव का मतलब है कि ये जो आपकी डॉटेड लाइन जा रही है वो निगेटिव यहाँ से जा रही है, ये जो आपका डॉटर मैं कर्सर यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप देखेंगे ये जो एम्पलीट्यूड है वो आपका अब यहाँ तक पॉजिटिव था, यहाँ पे जीरो हुआ और देन यहाँ पे निगेटिव हो गया, तो ए मिनिमम निगेटिव है, ठीक है, ए मिनिमम निगेटिव यहाँ पे है, तो ये आपका ओवर मॉड्यूलेशन डायग्राम कहलाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये ओवर मॉड्यूलेशन है, ठीक है। तो आई थिंक अंडर मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन एंड ओवर मॉड्यूलेशन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार डायग्राम ध्यान से देख लेंगे। अंडर मॉड्यूलेशन में ए मैक्स तो तीनों केस में पॉजिटिव ही रहेगा, ए मिनिमम आपका अंडर मॉड्यूलेशन में पॉजिटिव होता है, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन में जीरो हो जाता है, और ओवर मॉड्यूलेशन में निगेटिव हो जाता है। कैसे होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप कोई आपसे पूछे कि ये डायग्राम कैसे ड्रॉ हो रहा है तो आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट अबाउट अंडर मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन एंड ओवर मॉड्यूलेशन, ठीक है।
लिखा हुआ है कुछ रिजल्ट्स हैं. इन अंडर इन क्रिटिकल मॉडुलेशन दैट इज फॉर म्यू लेस देन आर इज इक्वल टू वन मैसेज सिग्नल इज कंप्लीटली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एनवलप. सो डिमॉडुलेशन कैन बी डन बाई एनवलप डिटेक्टर विच इज वेरी सिंपल. थोड़ा सा ये जो स्टेटमेंट है म्यू लेस देन आर इज इक्वल टू वन मीन्स अंडर मॉडुलेशन एंड क्रिटिकल मॉडुलेशन के लिए कह रहा है कि मैसेज सिग्नल इज कंप्लीटली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एनवलप. तो पॉजिटिव एनवलप का क्या मतलब है मैं वो बता देता हूँ. देखिए मैसेज सिग्नल, पहले ध्यान दें कि जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होता है. तो कैरियर का एम्पलीट्यूड मैसेज के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है इसका मतलब. और कहीं पे भी मैसेज हमारा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है मीन्स इसकी एम्पलीट्यूड जो है वो पॉजिटिव ही है जैसा कि मैसेज है आपका. ठीक है, तो इस वजह से ये पॉजिटिव एनवलप में स्टोर्ड हो रहा है. यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मैसेज जो आपका है वो मैसेज अभी भी जीरो से भले ही टच करके जा रहा है बट वो पॉजिटिव ही है. जीरो से ऊपर को हम पॉजिटिव मानते हैं तो जीरो से ये पॉजिटिव आ रहा है मैसेज हमारा जो कि करियर को करियर के एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहा है. लेकिन ओवर मॉडुलेशन में जो आपका मैसेज है वो पॉजिटिव ना होकर के यहाँ से कर्सर देंगे यहाँ से यहाँ पर निगेटिव हो जा रहा है. तो अब हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा मैसेज है वो पॉजिटिव एनवलप में स्टोर्ड हो रहा है. मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो हमारा है वो नथिंग बट द मैसेज को पहुंचाना है, मैसेज और कैरियर जो ट्रांसमिट होते हैं. ठीक है, अब आपका रिसीवर पे मैसेज निगेटिव में रिसीव हो मॉड्यूलेटेड सिग्नल से, अगर मान लो यहाँ से हम कैरियर हटा देते हैं, हम यहाँ पे कैरियर रिमूव कर देते हैं, तो आप देखोगे कि मैसेज कैसे आएगा. मैसेज इस तरह के, क्योंकि कैरियर तो हमें चाहिए नहीं, ट्रांसमीटर तो कैरियर के साथ मैसेज सेंड कर देंगे मॉड्यूलेट करके, बट रिकवरी के टाइम पे जब हम रिसीवर एंड पे मैसेज को रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो कैरियर रिमूव हो जाएगा. कैरियर रिमूव जब होगा तो ये मैसेज आपका है वो निगेटिव में आ जाएगा जो हमारा एक्चुअल मैसेज है नहीं. तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि अंडर एंड क्रिटिकल मॉड्यूलेशन में मैसेज जो आपका है वो पॉजिटिव एनवलप में स्टोर्ड होता है. इसलिए इसका जो डिमॉडुलेशन करेंगे, रिसीवर एंड की बात हो रही है, डिमॉडुलेशन करेंगे वो एनवलप डिटेक्टर, एक हमारा डिटेक्टर है आगे पढ़ेंगे उससे करेंगे दोनों केस में अंडर एंड क्रिटिकल मॉडुलेशन में, जो कि बहुत ही सिंपल होता है. नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फॉर ओवर मॉडुलेशन मैसेज सिग्नल इज नॉट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एनवलप. सो फॉर डिमॉडुलेशन सिंक्रोनस डिटेक्टर विल बी यूज्ड विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, दैट्स वाई हम जो आपका म्यू ग्रेटर देन वन है ओवर मॉडुलेटेड सिग्नल को हम प्रीफर नहीं करते हैं. हम कोशिश करते हैं या तो आइडियल केस जो है म्यू इज इक्वल टू वन 100% ऑफ मॉडुलेशन हो जाए, या जो जनरली हमें मिलता है म्यू लेस देन वन, 0 से 1 के बीच में जो हमारा मिलता है 10%, 20%, 40%, 50%, ठीक है 90%, 95%, इस तरीके से हमारे मॉडुलेटेड सिग्नल मिलते हैं जनरली. तो वो अगर ये दोनों केसेस मिलते हैं हमें तो एनवलप डिटेक्टर से बहुत ही इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं अपना मैसेज, जो कि बहुत ही सिंपल होता है. ठीक है, एक पॉइंट आपके सामने आ रहा है इंपॉर्टेंट के नाम से, उसके आगे लिखा हुआ है मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला रिलेटेड टू द डायग्राम. ठीक है, जो आपको अंडर मॉड्यूलेशन का डायग्राम है या क्रिटिकल मॉड्यूलेशन का डायग्राम है उसके थ्रू जो टर्म्स लिखे हुए आप देखेंगे ध्यान से, ये एसी है. ठीक है, ये एसी है. क्यों एसी है? क्योंकि जब म्यूजिक मैसेज यहाँ पे नहीं होगा, जीरो होगा, तो एसी ही रहेगा यहाँ पे, मॉड्यूलेशन तो होगा नहीं. जैसे जैसे मैसेज इंक्रीज, जैसे जैसे मैसेज आपका चेंज होगा वैसे वैसे कैरियर भी चेंज होगा. तो आपको पता है ये ए मैक्स होता है. ठीक है, ये ए मैक्स होता है और ये ए मिन होता है, ए मिनिमम होता है. और ए मैक्सिमम और एसी का जो डिफरेंस है, ए मैक्सिमम और एसी का डिफरेंस है, मैंने उसको डिनोट किया है एम डैश से. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? म्यू इज इक्वल टू ए एम डैश अपॉन ए सी. तो ये जो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसको आप जब इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं डायग्राम के थ्रू, न्यूमेरिकल जब आप देखो, एक न्यूमेरिकल आएगा जिसमें म्यू मेंशन होगा, एक न्यूमेरिकल आएगा जिसमें म्यू मेंशन नहीं होगा, न्यूमेरिकल आएगा जिसमें म्यू मेंशन नहीं होगा. तो उसमें मैंने बताया आपको ए एम अपॉन ए सी से कैलकुलेट करेंगे. और एक न्यूमेरिकल आपका डायग्राम के थ्रू आएगा, अगर इस तरीके से आता है तो आप ए एम डैश अपॉन ए सी से कैलकुलेट कर सकते हैं. किस केस में?
जिस केस में ए मिनिमम की वैल्यू नॉट गिवन हो। अगर ए मिनिमम गिवन है तब तो आप इजीली ए मैक्स माइनस ए मिन अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिन फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर ए मैक्स सिर्फ गिवन है, ए सी गिवन है, देन आपको इस फार्मूले से मॉडुलेशन इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो एक जगह पे आप कहीं पे म्यू की वैल्यू किस किस कंडीशन में कैसे कैसे कैलकुलेट करनी है आप एक बार लिख लेंगे, गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी पे एक न्यूमेरिकल भी है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। ये लास्ट न्यूमेरिकल होगा हमारा। वैल्यूज गिवन है, वैसे यहाँ पे 20 गिवन है, क्योंकि मैं 20 इसलिए गिवन है क्योंकि आपको वो फार्मूला भी रिवाइज होना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मॉडुलेशन। तो ए मैक्सिमम यहाँ पे कितना है, 80 वोल्ट, कैरियर कितना है 50 वोल्ट, और ए मिनिमम कितना है 20। तो दो तरीके से आप मॉडुलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, जिसमें सेम आएगा आपका गिवन ए सी, मैंने बता दिया यहाँ पे। ए एम डैश कितना है, ए मैक्स माइनस ए सी 30 वोल्ट है, कैलकुलेट करेंगे। ए एम डैश अपॉन ए सी से 0.6 आना चाहिए, 30 अपॉन 50, 0.6 या कह सकते हैं 60% ऑफ मॉडुलेशन। अगर दूसरा फॉर्मूला जो आपका है ए मैक्स माइनस ए मिन अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिन, वहां से भी कैलकुलेट करेंगे अनदर मेथड, वहां से भी 60% आएगा आपका। तो अगर मान लो न्यूमेरिकल में आपको 20 नहीं गिवन है तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ए एम डैश अपॉन ए सी। ओके, सो लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जनरेशन ऑफ ए एम है, जो कि बहुत ही न्यू टॉपिक है। तो लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। बाकी 14 न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं अभी तक, और आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। दो न्यूमेरिकल जो मैंने अभी सॉल्व नहीं किए हैं, जिनके बारे में मैंने बताया, सिंगल साइनोसोडल मैसेज सिग्नल एंड साइमल्टेनियस, दो जो वर्ड हैं आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे उस न्यूमेरिकल में। ब्रेन स्ट्रॉमिंग करेंगे, उसको ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, उसको सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे, अगर किसी का निकलता है तो आप आंसर भी टाइप करेंगे वहाँ पे। आई विल चेक दैट आंसर, ओके, एंड आई विल टेल यू इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।